हाय हैंसम. हाय पीयू, कैसी हो? ठीक हूँ. वो सागर भैया से मिलने आई थी ड्रीमलैंड वाले टेंडर के बारे में जानकारी लेने के लिए. उससे क्या फायदा होने वाला है भाई? वो टेंडर तो किसी बड़ी कंपनी को मिलने वाला है और वो है शांति बिल्डर्स. अच्छा, और अगर पीपी कंस्ट्रक्शंस ली गई तो? इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता. प्रणव, डोंट चैलेंज मी. अरे भाई, हम जानते हैं कि हमारे सिवाय इसे कोई हासिल नहीं कर सकता. प्रणव डियर, हर बार नहीं हारो. अब ये टेंडर तो मैं ही लेकर जाऊंगी. ओके फाइन, गो अहेड, ट्राई. ऑलराइट, चलो मैं चलती हूँ और तुमसे जल्द ही मिलती हूँ. बाय बाय. इसका बचपना नहीं गया. मनदीप. या? अगर तुम हमें पूरी और ठीक इंफॉर्मेशन दो ना, तो ये प्रोजेक्ट हमारा है. डोंट वरी मैम, मैं शांति बिल्डर्स में अपनी ऐसी दोस्ती और कॉन्फिडेंस बना रहा हूं, इस बार उनकी सही कोटेशंस निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी. और अब की बार पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपकी टेबल पर होगी. मैम, मैं निकलता हूं. काका, अगर मनदीप हमें शांति बिल्डर्स की बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन देना, तो ये टेंडर हम ले जाएंगे और फिर शांति बिल्डर्स की बैंड बजाएंगे. पापा, क्या मैं जान सकता हूं कि ये सब क्या हो रहा है? पापा, जानते हैं ये टेंडर हमें लेने से कोई नहीं रोक सकता. देखो बेटा, मैं पहले भी तुम्हें बता चुका हूं कि ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है. बेटा, पहले टेंडर खुलने तो दो. तुम तो एक ही दिन में शांति बिल्डर्स बनना चाहती हो. पापा, आप जानते नहीं हैं, हमने शांति बिल्डर्स की टाई टाई फिक्स करने की पूरी प्लानिंग कर ली है. क्यों काका? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक. तुम दोनों नहीं सुधरोगे. पापा, आप आगे आगे देखना, लोग सिर्फ पीहू सिंह को जानेंगे और पीपी कंस्ट्रक्शंस एंड इंटीरियर डिजाइनर को ही पहचानेंगे. और शांति बिल्डर्स, बाय बाय. चलो हम भी देखते हैं कि शांति बिल्डर्स की बाय बाय कब होती है. हाय हैंसम, अब तक सोए नहीं? मेरी याद आ रही है. कितनी बार समझाया है प्रियो, ये मेरे बेडरूम का नंबर है, प्रणव का मोबाइल नहीं. ओह, तो तुम भी यही हो? व्हाट अ जोक मैडम, ये मेरा बेडरूम है और यहाँ किसी दूसरे के घुसने की हिम्मत नहीं है. ओह, आई एम सो सॉरी किट्टू, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम सारा दिन बेडरूम में ही रहती हो. और तुम जा भी कहां सकती हो? Anyhow, प्रणव कहां है? तुम उनके मोबाइल पर फोन क्यों नहीं करती? और आइंदा से मेरे बेडरूम के नंबर पर फोन मत करना. तुम शायद जानती नहीं हो किट्टू डार्लिंग, कि मैं रोज रात को प्रणव को इसी नंबर पर कॉल करती हूँ. अब ये बात जान लो कि आइंदा रात में इस फोन को हाथ लगाने की कोशिश मत करना. और ये भी जान लो कि मैं तुम्हारे ये प्यार का नाटक जिसपे तुमने प्रणव को फंसा लिया है, मैं ज्यादा दिन तक चलने नहीं दूंगी. तुम्हें क्या लगता है, प्रणव तुम्हारा है? मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी. पैसे के लालच में जादू मंत्र करके तुमने उसे फंसा तो लिया है, पर याद रखना, बहुत जल्द मैं तुम्हारे प्यार का भूत उसके सर से उतार दूंगी. Shut up. गुड नाइट किट्टू डार्लिंग. अब तुम रात भर तक, तुम क्या समझते हो प्रणव, कि मैं यह रात रात भर तड़पूंगी और तुम आराम से प्यार की सेज पर सोओगे? नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी.
अब मैं तुम्हें तमाशा दिखाऊंगी प्रणव। एक बार टेंडर खुलने दो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम क्या हो। ना तो तुम घर के रहोगे और ना ही बिजनेस के। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी प्रणव। कर्नल साहब, आपका नाश्ता लगा दूं? अरे पीहू को तो आने दो काका। जी। हाय पापा, बाय, शाम को मिलते हैं। अरे बेटा बेटा, पहले बैठकर नाश्ता कर लो। नहीं पापा, मुझे ऑफिस पहुंचना है, वहाँ बहुत सारा काम है। बेटा नाश्ता बैठकर करते हैं, वहाँ मनदीप है ना? मनदीप को मैंने सागर भैया के पीछे लगा दिया ताकि वो उन्हें अंधेरी कोठरी में घुमाता रहे और हम उन्हीं की रोशनी से अपने घर में उजाला कर ले। बाय। काका ये क्या कह गई है, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया। कन्हा साहब, ये बड़े बड़े बिजनेस की बड़ी बड़ी बातें हैं जो आपके समझ से बाहर है। क्या हो रहा है इस घर के अंदर? लेकिन वो नाश्ता तो कर जाती ना। नाश्ता वो मैं उसको ऑफिस में करवा दूंगा, मैं ऑफिस जा ही रहा हूँ ना, आपका नाश्ता मैं भी लगा देता हूँ। ये लीजिए, आप अपना नाश्ता कीजिए, बिटिया को ऑफिस में करवा दूंगा। अरे लेकिन भाई, इन दोनों की केमिस्ट्री अपनी समझ से तो बिल्कुल बाहर हो गई है। चल भाई, कर ले अकेला नाश्ता। नमस्ते सर। नमस्ते सर। क्या मैं सागर साहब से मिल सकता हूँ? आप कौन? मैं मनदीप। एक्चुअली मुझे ना ये फाइल दिखानी थी। अच्छा अच्छा, आइए आप बैठिए। जी आइए बैठिए, मैं उन्हें भेजता हूँ। थैंक यू थैंक यू। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? अच्छा, अगर मैं यही सवाल तुमसे पूछूं तो? तुम पागल हो क्या? ये मेरा ही घर है। अच्छा, तो ये तुम्हारा घर है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां मेरे घर पर आकर किट्टू से मिलने की? तो क्या किट्टू घर पे है? जस्ट शट अप एंड गेट आउट। क्या बात है प्रणव, क्या हुआ भाई? कुछ नहीं भैया। तुम इससे जानती हो? नहीं। तुम एक काम करो, ऑफिस जाकर फाइल चेक करो, मैं जरा बात करके आता हूँ। ठीक है भैया। अच्छा तो ये प्रणव साहब हैं? हाँ, हमारे छोटे भाई। नाइस टू मीट यू सर। भैया मैं ऑफिस जाता हूँ। लगता है मैंने पसंद नहीं आया। अरे नहीं नहीं, थोड़ा जल्दी में। अरे कैसे आना हुआ? सर ये टेंडर की फाइल लाया था, हम लोग चाह रहे थे कि थोड़ा सा देख लें, कहीं कोई चूक ना रह जाए। वो मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि इससे तुम लोगों को कुछ भी फायदा नहीं होगा। सर मैडम ने कहा था ना कि हम लोग जस्ट थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। प्लीज आप देख लीजिए सर। ठीक है। बिल्कुल ठीक। यू कैन प्रोसीड विद दिस। ओके। ओह थैंक यू सर। बाय बाय। हाँ, मेरी बेस्ट विशेस देना आपको। जी जरूर। ऑल द बेस्ट। या थैंक यू सर।